मामला मध्य प्रदेश के देवास जिले के तहसील सतवास के ग्राम डांगरा खेड़ा का है। किसान मुकेश मीणा द्वारा बताया गया कि दातुनी नदी पर बने सुखलिया ठिकरिया डैम के अंतर्गत आने वाली नहर का पानी रोककर उसी पानी को नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे हम सभी किसान अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। आज से 4-5 दिन पहले भी नहर का पानी बंद कर दिया था और नदी में पानी छोड़ दिया गया था। तब हम सभी ग्रामीणों ने एकत्रित होकर SDO साहब से चर्चा की तो उन्होंने नदी में छोड़ा जा रहा पानी रुकवा दिया था, परंतु कल रात से पुनः नहर का पानी बंद करके नदी में पानी छोड़ दिया गया। जब हमें इस बात का पता लगा तो आज हम वापस डैम पर एकत्रित हुए तो इन्होंने नदी में जा रहे पानी को अभी रोक दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे खेतों से नहर निकलने के बाद भी हमें पानी नहीं दिया जाता है। अवैध रूप से पैसे लेकर अधिकारियों द्वारा नदी में पानी छोड़ा जाता है, जिससे हम सभी ग्रामीण खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं एवं सिंचाई न हो पाने से हमारी फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। सतवास से संजय परसाई की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अर्जुन मीणा। मीणा है, आप लोग यहाँ पे डैम पे किस लिए आए? सर, ये पानी के लिए आए थे। क्या हो गया पानी को? सर, हमारे 15 नंबर नहर है जो लहसुन और लहकी और हेड़ी के मध्य की 15 नंबर नहर में 24 घंटे में एक घंटा या 2 घंटे पानी पहुँचता है। सर, तो पानी जब पहुँचता है प्रेशर पर्याप्त तो रहता है कि कम रहता है? प्रेशर रहता तो फिर हम आते ही क्यों? ऐसा तो अधिकारियों का तो कहना है सिंचाई विभाग के कि पर्याप्त तो मात्रा में सभी क्षेत्रों में पानी उपलब्ध करा दिया गया है। सर, आप जाके देख लीजिए अगर पानी पर्याप्त है। पानी मिल ही नहीं रहा है सर, 24 घंटे रात में आता है 2 बजे कभी 3 बजे और वापस सुबह बंद हो जाता है। ऐसा आप लोग काय के लिए भेजे हुए यहाँ पे? सर, यहाँ हम ऐसा सुना है हम वहाँ से कि यार नदी में पानी छोड़ा जा रहा है और हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। कौन सी नदी में छोड़ा जा रहा है? सर, ये दातुनी नदी में छोड़ा जा रहा है। कब से छोड़ा जा रहा है ये? सर 24 घंटे से ऊपर होगा और पहले भी 4 दिन पहले भी छोड़ा था। कल 3 बजे से छोड़ा। लेकिन सर, हम क्या हम भैंसों लेके होने के कारण हम यहाँ तक आ नहीं पाते हैं। नदी में छोड़ने के बाद पानी कहाँ जा रहा है? सर, ये पानी नदी से ही जा रहा है, कोई 25 घंटे फतेहगढ़ नर्मदा तक पहुँच जाता है। ये प्रावधान में है क्या? सर, ये कोई प्रावधान में नहीं। सर, जमीन तो हमारी गई हुई है ना, नहर तो इधर से गई हुई है ना। इस संदर्भ में आपने कोई से शिकायत करी अधिकारी से, जल संसाधन विभाग वालों? 4 दिन पहले भी आके हम सब इकट्ठे हुए थे, बंद करवा दिया, फिर वापस आज चालू कर दिया, वापस भी हम आए, अभी आज कोई से चर्चा हुई आपकी? कोई नहीं आया। सर, आज कर्मचारी यादव साहब बोल रहे छुट्टी पे चले गए चालू करवा के, बोल रहे कलेक्टर साहब का हमारे पास आदेश है। तो आदेश देखा आपने? सर, हमने देखा, लेकिन तारीख नहीं है, आवक जावक है, खाली उनकी नोट सीट लगी हुई है बस। तो इसमें जल संसाधन विभाग वालों को क्या फायदा है जो पानी वहाँ छोड़ रहे हैं? पैसे लिए हो सर, उनके आदेश में लिखा है मात्र 25 से 26 किसानों को 88 एकड़ जमीन के लिए यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पानी ले जाया जा रहा है, वो भी नदी के थ्रू, और जबकि जो टेल में जो गांव है वो सूखे बैठे हैं, पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। और ये जो है पहले 3 दिन पहले भी ऐसी हरकत हुई थी, उन्होंने पैसे लेके और नदी में पानी छोड़ दिया था, किसान आए बंद कराए, 2 दिन बाद फिर वापस से चालू कर दिया उन्होंने। और जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण हुई वो किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। सर, नहर तो डैम तो नहर वालों को पानी देने के लिए बना, नदी में छोड़ने का प्रावधान नहीं, फिर भी वो डैम वाले जो नहर वाले गाँव है वो तो सिंचित हो नहीं रहे, और नदी में डायरेक्ट पानी छोड़ने से प्रेशर कम हो जाता है, जिससे वहाँ पानी पहुँचता है। छोटे छोटे जो नाले पड़ते हैं अगर उसमें पानी एक्स्ट्रा चले जाता है तो अधिकारी आते हैं और बोलते हैं नाले का हमारे पास प्रावधान नहीं है, तो नदी में प्रावधान है इनका? नाले में पानी छोड़ने का प्रावधान नहीं है सर, नदी में प्रावधान रहता है। छोटे छोटे नाले में नाले में बना करते हैं, नाले के लिए प्रावधान नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।